फिरोजाबाद VOF के जरिए प्यार करने वाली युवती को अंत में मिला धोखा। शादी का झांसा देकर प्रेमी 1.5 साल तक शारीरिक शोषण कर रहा था। प्रेमी के लिए युवती ने दूसरी जगह से हो रही शादी करने से भी इनकार कर दिया। अंत में प्रेमी ने भी शादी करने से मना कर दिया। टुंडला रेलवे स्टेशन पहुंची युवती ने अपनी दुख भरी दास्ता सुनाई। युवती ने बताया कि वह बनारस में एक कपड़े के शोरूम में काम कर गुजर बसर कर रही थी और मुंह बोले भाई के घर में किराए के मकान में रहती थी। 1.5 साल पहले उसकी आगरा निवासी युवक से वीवो ऐप के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। युवक उसके साथ शादी करने की बात करते हुए अपने साथ आगरा ले गया, जहां युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। कुछ दिन बाद युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। अपना भविष्य बर्बाद होता देख युवती ताजगंज थाने पहुंच गई, जहां युवती ने परिजन भी थाने पहुंच गए और युवती को समझा बुझा कर अपने साथ ले आए। युवक युवती के साथ अलग रहने की बात कहते हुए उसे कानपुर ले गया, जहां उसे नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और युवती के पास रखे सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। जब उसे होश आया तो वह हैरान रह गई। सोमवार सुबह युवती गोमती एक्सप्रेस से टुंडला स्टेशन पहुंची, जहां उसने आपबीती सुना। युवती की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। युवती ने बताया कि उसकी 24 जून 2019 को शादी होनी थी, लेकिन प्रेमी के लिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। वह आश्वस्त थी कि प्रेमी उसके साथ शादी करेगा, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी प्रेमी ने उसके साथ शादी नहीं की और धोखा देकर भाग गया। अब वह उस धोखेबाज युवक के साथ नहीं रहना चाहती। SSP आगरा से करेगी युवक की शिकायत ताकि उसको सजा मिल सके। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया जी, क्या घटना हुई आपके साथ, पूरी बात बताओ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मैं एक NGO में काम कर रही थी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा करण खुराना जो आगरा के रहने वाले हैं, उनके पापा का नाम अशोक खुराना है, उन्होंने मेरा 1.5 साल से उसके साथ अफेयर नेट द्वारा चल रहा था, वीवो ऐप के साथ। तो मेरा 1.5 साल के बाद जब उसने बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि मेरी शादी तय होने वाली थी। मेरी 24 जून को शादी थी और 24 जून को शादी थी, ये मेरे यहाँ 21 जून को गया है मेरे घर पे मुझे लेने बनारस। एक गुकुलगंज में एक होटल है, वहाँ पे वो रुका भी था अपने फ्रेंड राम के साथ, कुलर से गया हुआ था। वहाँ पे गया, मुझसे बात किया, मुझे किराया दिया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम 24 को ट्रेन पकड़ के चले आना, मैं तुम्हें यहाँ रिसीव कर लूँगा। मैं 24 को वहाँ से निकली हूँ, मैं आ गई हूँ यहाँ पे इसके घर पे 25 को। ये मुझे रिसीव किया है, मुझे 2-3 दिन होटल में रखा है। फिर उसके बाद इसके सिस्टर का एक घर है नालंदा टाउन में, 212 फ्लैट नंबर है इसका। वहाँ पे मुझे 3 महीने से रख के मेरे साथ शोषण, मेरे साथ रेप सब कुछ किया है, मुझे टॉर्चर भी किया है, मारा भी है मेरे को, ये सब आप देख सकते हैं, मुझे कई जगह मारा और मुझे धोखा भी दे रहा था। तो मैंने बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो करण, तुम तो साथ लाए हो शादी करने, इस कर मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने 100 नंबर कॉल करके कंप्लेन भी किया था, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। मैं वहाँ पे गई और इसके फैमिली वाले वहाँ पे ले दे के जो भी करके वहाँ से रफा दफा कर दिए। और इसकी बहनें हैं रिया खुराना, सुरभि खुराना, रेनू, और इसकी जीजू हैं, 3 जीजू हैं, जीजू का नाम नहीं जानती हूँ, वो लोग भी गए थे वहाँ पर। उन लोगों ने मुझे बहला फुसला कर बोला शादी कर लेगा तुम, चलो यहाँ से, थाने में कुछ नहीं होगा। फिर ये लोग मुझे एक रॉयल होटल करके वहाँ पे मुझे 2 दिन से रखे हुए थे। कल शाम को अपने भाई को लेके उसकी बहन सुरभि खुराना और रिया खुराना दोनों आई हैं। दोनों आ करके मुझे बोली कि तुम मेरे भाई को लेके चाहे जहाँ जाओ। मेरा फ़ोन ले ली 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए ली, अब पता नहीं वो क्या किए मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उसका भाई मुझे वहाँ से लेके कानपुर तक लेके आया। कानपुर मुझे जो भी नशे की दवा व जो भी दिया होगा, मैं होश में नहीं थी, मेरे गहने वाले जो भी थे मेरे पास, एक चैन था कान का था जो मेरी शादी में बना था मुझे देने के लिए, और 2 लेडीज रिंग थी और एक जेंट्स का था, मैं सब लेके भाग के आई थी वहाँ से, सब लेके मेरा भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ,
इसकी शिकायत आपने कहीं दोबारा की है? आपने? नहीं, अभी कहीं नहीं की है। मैं जा रही हूँ आगरा, मांगती हूँ न्याय। मुझे मैं यूज करने की चीज़ें नहीं।